थ्री और फोर अभी इंटीजर्स है, क्या है इंटीजर्स, इनको रैशनल नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर पी बाई टू की फॉर्म मिलाना पड़ेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा थ्री और फोर, क्या करना पड़ेगा, किसी को लेके आना पड़ेगा नीचे, किसको लेके आए, वन को, क्योंकि थ्री बाय अगर हम वन लिख रहे हैं तो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि थ्री को वन से डिवाइड कर रहे हैं, अब वन थ्री जा थ्री एट दी एंड अंदर क्या आ रहा है, थ्री आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, नहीं पड़ रहा ना, तो क्या हो जाएगा थ्री बाय वन और फोर बाय वन, दीज आर आर, दीज आर आर रैशनल नंबर, ठीक है, क्या हो जाएगा ये हमारे रैशनल नंबर हो जाएंगे। इसके बाद में आते हैं कि हमें सिक्स नंबर चाहिए, कितने चाहिए सिक्स, हम क्या करेंगे सिक्स प्लस वन कर लेंगे, कितना होता है सेवन, ठीक है, अब लास्ट लास्ट क्लास में लेके आए हैं, अब देखो ये थ्री बहुत बेचारा खाचे 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 हो गया भाई, हाँ देखो सेवन हो गया, हमारे पास में रैशनल नंबर क्या है थ्री बाय वन और फोर बाय वन, तो थ्री बाय वन और फोर बाय वन, इतने स्पेस रहे इसके अंदर कि हमारे सिक्स रैशनल नंबर के बीच में आ जाए, ठीक है, अब क्या जो ये सेवन है सिक्स प्लस वन किया हमने और सिक्स आया कि भाई फाइव रैशनल सिक्स रैशनल नंबर, तो क्या करेंगे यहाँ पे सेवन से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, और जब ऊपर करेंगे तो नीचे भी करनी पड़ेगी, नीचे भी कर देंगे वैसे ही यहाँ पे कर देंगे भाई, ठीक है, क्या हो जाएगा 21/7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 28/7, अब देखो 21 उसके बाद 21 किसका इक्वल है भाई 3 का इक्वल है, देखो 21/7 को अगर लिखेंगे 7 × 7 = 20 = 3, जो 21/7 किसके इक्वल है 3 का इक्वल, वैसे ही 28/7 किसके इक्वल है 4 का इक्वल है, 3 और 4 ही है ना, ये ज्यादा तो नहीं है, अब देखो 21 के बाद क्या आता है 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 और 27/7, ठीक है, ये हमारा 4 का इक्वल है, ये हमारा 3 मींस ये हमारा 3 है और ये हमारा 4 है, इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6, कितनी चाहिए थी हमें 6 चाहिए थी, तो 6 रैशनल नंबर क्या हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे, और अगर तुम्हें और डीप जाना है इसमें तो क्या इसका मतलब क्या है कि 22 को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना, 7 से डिवाइड करो 22 को, 7 × 21 बच जाएगा नीचे, जो कि डिविजिबल ही नहीं है, तो क्या जाएगा पॉइंट लगा कर जीरो लगा लेंगे 7 तो इस तरह से आते रहेगा, ठीक है, सबसे अच्छी बात है कि तुम इसको ऐसे ही रखो जल्दी बैठ, ठीक है, समझ में आया, एनी प्रॉब्लम, वेरी गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बट इंग्लिश नेक्स्ट वीक।